जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड 2023 के बारे में कि कैसे आपको सभी रीजन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पर गाइज आपको डाउनलोड का प्रोसेस तो बता ही जाएगा, अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर अपनी जानकारी सेंड करनी है या मैं आपको इस वीडियो लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कब से लेकर के कब तक आपने इस फॉर्म को भरा था। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आप देखेंगे एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड 2022-2023 डाउनलोड लिंक। मैं आपको सबसे पहले कोई भी जानकारी देने से पहले ये बता दूं कि जब एसएससी किसी भी एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी करता है तो पहले वो रीजन वाइज उसके एप्लीकेशन स्टेटस जारी करता है, यानी कि आपको ये बताता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। एंड जैसे ही आपका किसी एक रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस आता है तो फिर उसके बाद में आपको अन्य रीजन का स्टेटस आने के लिए या फिर जारी करने के लिए कोई डेट नहीं दी जाती, बस उसके एक से दो दिन के अंतराल में एक एक करके सभी रीजन के स्टेटस जारी करता रहता है। तो अभी के लिए यहां पर पहले आपका स्टेटस आया था साउथर्न रीजन का, फिर आया था केकेआर रीजन का और इसके बाद आया है ईस्टर्न रीजन का। तो अभी यहां पर जो रीजन के स्टेटस आना है बाकी है वो है आपका एमपी सब रीजन, फिर आपका वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन और आपका जो सेंट्रल रीजन है वो सेंट्रल रीजन का स्टेटस सबसे बाद में आता है सभी वैकेंसी के एग्जाम में। तो यहां पर बेसिकली अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने रीजन का स्टेटस मेरे द्वारा चेक कराना चाहते हैं तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि सर मैंने यहां से अप्लाई किया था। अगर आपको आपका रीजन नहीं पता है, ये पता है कि आपने कहां से अप्लाई किया था, तो आप कमेंट के माध्यम से आपने जहां से इस फॉर्म को भरा था वो लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके कौन से रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस या एडमिट कार्ड है और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपके रीजन का स्टेटस आ चुका है और आपको ऐसे अपना जो स्टेटस है डायरेक्ट लिंक के माध्यम से चेक करना है। अभी यहां पर गाइज जो आपका ईस्टर्न रीजन का स्टेटस आया है ये आपको कैसे चेक करना है वो आप देख लीजिए। आप यहां पर इस वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करते रहिएगा क्योंकि जैसे ही स्टेटस आते रहेंगे मैं यहां पर आपको उनके लिंक डायरेक्टली अपडेट करता रहूंगा। तो जैसे ही अगर आप यहां पर अवेलेबल नाउ पर क्लिक करेंगे ईस्टर्न रीजन के सामने तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिली थी, फिर आप यहां पर आपका नाम एंटर करेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा था और फिर आप यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहां पर ये जो सम ऑफ है यानी कि जो भी नंबर है जैसे कि 1+5 कुछ भी यहां पर हो सकता है वो आपको यहां पर जोड़ करके लिखना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जहां पर आपको बोला है कि अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये बुक है एसके बुक्स की और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस एटलीस्ट वन वैलिड डॉक्यूमेंट एज ऑन डेट एंड द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि कैंडिडेट के पास में आधार कार्ड के अलावा इनमें से कोई एक आई डी रहनी चाहिए जो कि है आपका आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड। तो इनमें से कोई एक आई डी ओरिजिनल में आपके साथ में रहनी चाहिए जिस दिन आपका एग्जाम होगा। तो आप यहां पर इंस्ट्रक्शंस को चेक करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस इस प्रकार से आ जाएगा जहां पर आपको आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका नाम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जाम। तो जिस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है उसका जो डेट ऑफ एग्जाम है वो 13 मार्च 2023 रखा गया है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया गया है और जो सिटी ऑफ एग्जाम है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस रीजन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब आपका जो कमेंट आएगा कि सर मेरा ये रीजन है तो मेरा
मेरा रीजन का स्टेटस कब आएगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी कहा कि इसके रीजन के जो स्टेटस जारी होते हैं उसमें कोई डेट नहीं दी जाती है, एक दो दिन के बाद में इस तरह से एक एक करके रीजन के जो स्टेटस है वो जारी होते रहते हैं। तो बस आपको कमेंट के माध्यम से आपकी सिटी का नाम बताना है, अगर आपको आपका रीजन नहीं पता नहीं तो आप अपना रीजन का कमेंट करेंगे कि मेरा ये रीजन है, जब मेरे रीजन का है तो आप अपडेट कर दीजिएगा। अगर आप आपका रीजन भी लिखेंगे उससे ही मुझे समझ आ जाएगा कि आपको आपके इस रीजन का स्टेटस का अपडेट चाहिए, तो आपको वो काम करना है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपके अन्य रीजन के स्टेटस आएंगे तो मैं हमारी वेबसाइट इसके ऊपर अपडेट करूंगा। आप यहाँ पर jobsgyan.in के ऊपर इस पेज पर आकर के इसको विजिट भी करते रहिएगा, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको मेरे द्वारा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस या एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको ओपन करना है। सबसे लास्ट में आइएगा और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर आपको क्या क्या जानकारी देनी है ये आपको अच्छे से सुनना है और समझना है, और ये सब जानकारी आपको देनी होगी। इनके बिना मैं अभी आपका स्टेटस चेक नहीं कर पाऊंगा या एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर देना है, आपका जो पासवर्ड है SSC का वो एंटर करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर आपका फादर नेम देना है, फिर आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, फिर आपने एग्जाम सेंटर के लिए फर्स्ट सिटी कौन सी चूज की थी वो आपको यहाँ पर देनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये लिखना है कि आपके कौन से रीजन का एडमिट कार्ड है। अगर आपको आपका रीजन नहीं पता तो आपको यहाँ पर आपकी सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा था, उससे मैं पता लगा लूँगा कि कौन से रीजन में आपकी सिटी आती है। ये सब जानकारी इसलिए ली जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो रीजन वाइज आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो किसी रीजन में तो आप रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर लेते हैं, और किसी रीजन में आपको जो रजिस्ट्रेशन ID है वो देनी होती है और डेट ऑफ बर्थ देनी होती है, एंड किसी रीजन में ऐसा होता है कि आपसे आपके फादर का नेम मांगा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, एग्जाम सिटी की फर्स्ट चॉइस मांगी जाती है, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें आपसे मांगी जाती है। इसलिए आपको ये सब जानकारी देनी है। एक बार फिर से दोहरा दूँ, आपकी SSC की रजिस्ट्रेशन ID, आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम एंड जो आपका नेम है वो, और आपकी जो किस रीजन का ये जो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कराना है वो, या फिर आपकी सिटी का नाम, ये सब आपको यहाँ पर देना है। एंड सबसे महत्वपूर्ण ये भी दीजिएगा कि आपने किस सिटी को फर्स्ट चॉइस के रूप में दिया था, एंड सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई भी प्रॉब्लम न हो, और जो जिन लोगों ने मेहनत की है एग्जाम के लिए वो एग्जाम दे पाए, उनका एग्जाम न छूटे उनके एडमिट कार्ड की वजह से। अब गाइज यहाँ पर एक मैं आपको डेमो के लिए एडमिट कार्ड दिखाता हूँ। ये एडमिट कार्ड आपका प्रीवियस ईयर का है, ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार का आपका एडमिट कार्ड रहने वाला है, जहाँ पर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। एडमिट कार्ड आपका जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 4 दिन पहले से ही डाउनलोड हो पाएगा, उसके पहले आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपके रीजन में जो भी आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर जो एग्जाम डेट होगी उसके 4 दिन पहले आपको लॉग इन करना है इसी लिंक का इस्तेमाल करके जिससे कि आपने स्टेटस को चेक किया है, और फिर आप अपने एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। प्रिंट के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी। जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपके पास एक तो ओरिजिनल ID और आपका आधार कार्ड, आपका ये कोई ID, आपका जो एडमिट कार्ड है वो, एंड ये जो मेन चीज़ है तो होनी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं वो ऐसी है वो चल जाती है, बट ये जो 2 मेन चीज़ें हैं आपके पास होनी चाहिए। तो गाइज ये थी आपके SSC CHSL एडमिट कार्ड 2023 के बारे में जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, एंड जैसा कि मैंने कहा अगर आपको मेरे द्वारा चेक कराना है तो आप यहाँ पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन सेंड कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।